ये देखिए दोस्तों, आज हमने जाल जो नेट होता है रेशम का नेट, इसमें मांगूर मच्छ पकड़ा है। ये देखिए, देख सकते हैं आप कितना बड़ा है। और ये देखिए, ये जो इसके होल हैं ये लगभग 6-7 उंगल के हैं। और ये देख सकते हैं आप, इसमें ही लगभग 3 किलो सारे का ये मच्छ आज हमने इसे फंसाया है। ये देखिए, इस प्रकार की नेट फिशिंग भी हम जो है कर सकते हैं, और बहुत अच्छा है। अब इसको हम निकालेंगे, इसमें से देख सकते हैं आप। बहुत बार ये होता है कि जब हम मछली पकड़ते हैं तो हुक में नहीं फंस पाती हैं, लेकिन जाल में भी ये फंस सकती हैं। आप ये देख रहे हो, 3-3.5 किलो का जो है मत्स्य आज हमारे हाथ आया है। काफ़ी दिनों के बाद, मतलब छोटा हाँ टुकड़ा है ये, लगभग 5 फुट का ये टुकड़ा होगा इस जाल का, इसमें ही हमने ये पकड़ा है। और अभी हम इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं इसमें से। ये देखिए, बहुत सारी मछलियां जो हैं नेट नेट से फंसती हैं, और लेकिन ज़्यादातर मांगूर स्थिरक हो जाते हैं इससे और जल्दी ही हाथ नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको दिखा पाएँ वीडियो के माध्यम से। ये देखिए, इसमें जाल के अंदर जो है और भी चीज़ें उलझ जाती हैं। तो आप करंट वाली जाली का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो थोड़ा, ये भी होता है कि वो लाइलोन की बनी होती है, और लाइलोन को भी तोड़ करके भी इस प्रकार के जो बड़े मच्छ होते हैं वो तोड़ करके निकल जाते हैं। तो हम आपको ये रेशम वाला जो जाल है 5 फुट का ही है, और ये छोटा टुकड़ा है दोस्तों जो हमने ये लगाया, उसमें हमने ये बड़ा मच्छ पकड़ा है आज। और आप देख सकते हैं मांगूर मच्छ है ये, क्योंकि बरसात का मौसम रुका ही है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी मछलियाँ इधर इधर से उधर आई हुई हैं, नाली तालाबों ड्रेन वगैरह में, नदियों में भी आई हुई हैं। तो हमने ये तालाब से अभी पकड़ा है, और अभी इसको निकालने की कोशिश की जा रही है। देख सकते हैं आप, एक बार उलझने के बाद ये रेशम का जो नेट होता है दोस्तों, ये बहुत मजबूत होता है, और इससे जो है मछली बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकती इसको, क्योंकि बहुत रेशम जो है बहुत मजबूत होता है। और अभी आप देख सकते हैं कितनी मजबूती से जो फंस चुका है ये, अभी हमें इसको निकालने की जो कोशिश है, ये देख सकते हैं आप। यदि वो लाइलोन का होता तो शायद इसको तोड़ करके भी आगे निकल सकता था ये मछली, लेकिन जो ये नेट है आप देख पा रहे हैं, ये छोटा है लेकिन बहुत कारगर है, छोटा ही बहुत कारगर होते हैं दोस्तों। और इस प्रकार की बड़ी बड़ी मांगूर रोहू कतला मछली पकड़ने के लिए तो बहुत ही कामयाब है ये इस प्रकार का नेट। हमें हुक डालने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हुक डालने के बाद हम घंटों इंतज़ार करते रहते हैं कि मछली कब हुक में लगेगी, लेकिन नेट के ज़रिए हम जो है आसानी से इनको पकड़ पाएंगे। अभी देख सकते हैं आप, हमने ये यहाँ पे सुखाया है। ये देखिए, इस प्रकार का जो नेट है वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप आप समझ पाए होंगे दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।